नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश में भाजपा के सहयोगी अपना दल अपना एस प्रमुख अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। मिर्जापुर सीट पर अनुप्रिया पटेल के खिलाफ बीजेपी का मौजूदा सांसद ही ताल ठोकने जा रहे हैं। जी हां, इस सांसद को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी समर्थन मिल चुका है। अखिलेश मिर्जापुर से उतारे गए सपा प्रत्याशी का टिकट काट कर इस दिन की तैयारी कर चुके थे। हाल ही में उन्होंने सपा प्रत्याशी का नामांकन भी इसी वजह से रोक दिया था। माना यह भी जा रहा है कि आज शाम तक नए प्रत्याशी का ऐलान हो जाएगा। मिर्जापुर में आपको बता दें कि अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होने जा रही है। फिलहाल नामांकन की प्रक्रिया मिर्जापुर में आपको उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर चल रही है। 14 मई तक यह नामांकन होना है। समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर से राजेंद्र एस बिंद को टिकट दिया है और अब उनकी जगह भदोई से भाजपा सांसद रमेश बिंद को उतारने की तैयारी हो रही है। आपको ये भी बता दें कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इस चुनाव में, इस महा लोकसभा चुनाव में रमेश बिंद का टिकट काट कर भदोई से निषाद पार्टी के विनोद बिंद को टिकट दे दिया है। टिकट कटने के बाद से ही रमेश बिंद के बगावत करने की चर्चाएं जो है वो तेज हो चुकी हैं और चर्चाएं उनकी चल भी रही थी। आपको ये भी बता दें कि गुरुवार की रात उन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल की फोटो लगाकर चर्चाओं को और बल दे दिया था। और वहीं इसी बीच मिर्जापुर की जो सीट है वो लगातार चर्चाओं का हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि मिर्जापुर से वो मैदान में उतरे सपा प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद के एक वीडियो जारी करने के बाद रमेश बिंद ने मंसूबों का खुलासा भी कर दिया है। ऐसे में अब ये साफ हो चुका है कि सपा से रमेश बिंद मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल को चुनौती दे सकते हैं। अब सोचिए कि जिस तरह से मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल पहले तो चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाह रही थी, लेकिन अब वो उतरी तो अब उनके खिलाफ रमेश बिंद किस तरह का चुनावी ताल ठोकेंगे। आपको ये भी बता दें कि भदोई के सपा जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि रमेश बिंद ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है, उन्हें जल्द ही सपा में शामिल भी किया जा सकता है। मिर्जापुर से टिकट भी उन्होंने संभावनाएं भी जताई है कि मिर्जापुर से उनको टिकट भी मिल सकता है। रमेश बिंद को साल 2019 में वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा था। रमेश बिंद इससे पहले मिर्जापुर के मंजवा से 3 बार बसपा से विधायक रह चुके थे और साल 2019 में ही उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और भदोई से अब उनको टिकट, उस समय भी उनको टिकट हासिल कर लिया गया था और अब भी उनको कहीं ना कहीं टिकट हासिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि रमेश बिंद ने सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा को भी हरा दिया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं मिर्जापुर सीट पर अनुप्रिया पटेल के सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का उतारना और अखिलेश यादव का एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक चुनावी ताल ठोकना, अब देखना यह है कि आखिर मिर्जापुर से किसकी जीत होती है और कौन यहाँ से इस बार सांसदी का पद में जाता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।